एवर सिंस दैट डे, उसी दिन से डॉक्टर राज बिकेम अ रेगुलर विजिटर देयर। रेगुलर रोज़ाना विजिटर, मुलाकात करना, देखने के लिए आना, तो वहाँ रोज़ाना डॉक्टर राज देखने के लिए आने लगे, मुलाकात करने के लिए आने लगे। ही वुड एग्जामिन पीपल, वो क्या करते, एग्जामिन करते यानी जांचते लोगों को, देखते कौन बीमार है। डायग्नोस डिसीज, डायग्नोस रिकोगनाइज यानी पहचानते बीमारी को। एंड प्रिस्क्राइब मेडिसिन, प्रिस्क्राइब मेडिसिन यानी दवाई लिखते लोगों को, जांच करके क्या करते, दवाइयाँ लिखते। ऑल फॉर नो फीस, इन तमामों का कोई फीस नहीं था, कोई चार्ज नहीं था। इट डिड नॉट टेक लॉन्ग फॉर हिम टू रियलाइज, रियलाइज मीन्स समझना, यानी जब पर्चा मिलता दवाई का तो लोग उसको समझते नहीं, टाइम नहीं लगाते थे, फाड़ देते थे, तो इसी को कह रहे हैं कि वो ज़्यादा समय नहीं लगाते। इट डिड नॉट टेक लॉन्ग फॉर हिम, तो उसको ज़्यादा समय नहीं लगाते समझने के लिए। दैट मैनी ऑफ हिज प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं पर्चे को, उस नुस्खे को जिसमें दवाइयाँ डॉक्टर लिख के देता है। तो मैनी ऑफ हिज प्रिस्क्रिप्शंस यानी बहुत सारे पर्चों को, नुस्खे को, वर सिंपली टॉर्न नोच देते, फाड़ देते। एंड थ्रोन अवे, और उनको फेंक देते थे नोच करके। क्यों? बिकॉज द पीपल देयर वर टू पुअर, इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा गरीब थे टू बाई मेडिसिन, दवाई खरीदने के लिए। इट मूव्ड हिम, तो ये सिलसिला चला, यानी ये सब चीज़ देखता गया। इट फर्म्ड अप हिज डिसीजन, फर्म्ड कहते हैं फर्म्ड, यहाँ पर आर साइलेंट है, फर्म्ड पढ़ेंगे। फर्म्ड अप यानी मजबूत करना, पक्का करना। हिज डिसीजन, अपने फैसले को क्या किया इसने, मजबूत किया। टू सर्व, खिदमत करने के लिए, सेवा करने के लिए द पीपल, लोगों की, इन द बेस्ट वे ही कुड, अच्छे तरीके से जो वो कर सकता था। यानी वो घबराए नहीं, हटा नहीं पीछे, बल्कि और उसने इरादे को मजबूत किया और लोगों के दूसरे तरीके से सेवा करने में लग गया। ही ऑल्सो नोटेड दैट मोस्ट ऑफ द डिसीज, उसने ये भी नोटिस किया, गौर किया कि मोस्ट ऑफ द डिसीज, बहुत सारी बीमारियां, मोस्ट कहते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत सारी बीमारियां क्यों आ रही है, देयर वर ड्यू टू अनहाइजेनिक, अनहाइजेनिक कहते हैं गैर सेहतमंद, यानी स्वस्थ ना रहना, अपना ख्याल ना करना, नहीं नहाना, गंदे रहना, उसको अनहाइजेनिक कहते हैं। अनहाइजेनिक के कारण यानी गैर सेहतमंद की वजह से, कंडीशन हालत, गैर सेहतमंद हालत की वजह से, प्रीवेलिंग कहते हैं गालिब था वहाँ पे, यानी बहुत ज़्यादा था ये, जिसको मोस्ट कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर लोग गैर सेहतमंद ज़्यादा रहते थे, तो गैर सेहतमंद ज़्यादा होने की वजह से, तो ही आल्सो नोटेड, तो उसने, डॉक्टर राज ने नोट किया कि बहुत ज़्यादा बीमारी क्यों थी, इसलिए कि वो लोग बहुत ज़्यादा गैर सेहतमंद रहते थे। एज़ ही वॉज रेगुलर विजिटर, तो वो रोज़ क्या करता, मुलाकात करने के लिए आने लगा, आता था। द पीपल नाउ केम टू हिम, तो लोग भी आने लगे उसके पास में, लोग भी आते थे उसके पास बीमारी की वजह से। दे डिस्कस्ड विद हिम, तो ये लोग डिस्कस करते, बातचीत करते डॉक्टर से, विद हिम उससे यानी डॉक्टर से। नॉट ओनली हेल्थ, न कि सिर्फ हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, बट अदर फैमिली, बल्कि दूसरे फैमिली के बारे में, यानी अपने फैमिली के बारे में, परिवार के बारे में, एंड सोशल इशूज़ और सामाजिक मुद्दे के ऊपर भी वो लोग बात करते थे। यानी सिर्फ बीमारियां नहीं, बल्कि पड़ोसी के बारे में, घर के बारे में, और भी जो है, जो लोगों में बात चलती है, वो सब बात करने लगे। इन अबाउट टू वीक्स, अबाउट यहाँ पर करेंगे तकरीबन दो हफ्ते के अंदर, ही हैड अ प्लेस विच रिजेम्बल्ड कहते हैं, यानी कि मिलता जुलता, एक जैसा, समथिंग लाइक एन ओपन क्लिनिक, तो वो एक खुले हुए क्लिनिक की तरह मालूम होता था। रिजेम्बल्ड कहते हैं कि वो कैसा लगता था, वो जगह लगती थी जैसे कि कोई, किसी ने क्लिनिक खोल के रखी है। ही हैड अ प्लेस, तो उसके पास एक जो जगह थी वो मिलती जुलती थी एक खुले हुए क्लिनिक की तरह, उसके पास जो जगह थी वो मिलती जुलती थी, वो ऐसा लगती थी जैसे कि खुला हुआ क्लिनिक हो, खुला हुआ क्लिनिक की तरह।
खुली हुई किरण की तरह वो मालूम होती थी। द पीपल हैड अरेंज फॉर ए स्मॉल टेबल एंड अ बेंच। तो लोगों ने क्या किया, अरेंज किया या इंतज़ाम किया एक छोटा सा टेबल का और बेंच का। ही प्लेस्ड द थर्मामीटर, उसने टेबल पर क्या रखा, थर्मामीटर रखा जिसे बुखार चेक करते हैं। स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप कहते हैं जो बुखार चेक करते हैं कान में लगा करके, आपने देखा होगा उसको जो है, फिर वो सीने में इस तरह से चेक करते हैं उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। गैजेस, गैजेस कहते हैं जो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं यहाँ लगा करके बाजू में, ब्लड चेक करते हैं कि हाई है ये लो है। एंड अदर स्मॉल थिंग्स ऑन द टेबल, और दूसरी छोटी चीज़ें टेबल पर रखी रहती थी। वाइल द पेशेंट सैट ऑन द बेंच, जबकि पेशेंट जो मरीज थे वो कहाँ थे, बैठे रहते थे बेंच पर। द बेंच आल्सो सर्व्ड व्हेन सम पेशेंट वाज रिक्वायर्ड टू बी पुट डाउन, पुट डाउन यानी जो नीचे पड़े रहते थे जो लोग, तो ये बेंच ये काम आई उन लोगों के भी जो लोग नीचे पड़े रहते थे। बेंच आल्सो सर्व्ड, सर्व्ड यानी इससे खिदमत लिया जाता है, इस ये बेंच भी सेवा करता है, खिदमत ली जाती है इससे, जबकि लोग कुछ बीमार लोग कहाँ थे, नीचे में थे ज़मीन पर थे, तो ये लोग क्या होगा बेंच पर बैठने लगे। व्हेन नॉट एट वर्क, जब वो काम पर ना होता, कौन, डॉक्टर राज, ही वुड गो अराउंड एट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के चक्कर लगाता यानी सरकारी अस्पताल के वो चक्कर लगाता जबकि वो काम पर ना होता। He would go round the government hospital to get some medicine, कुछ दवाइयाँ लेने के लिए। गेट में से लेना सम, कुछ मेडिसिन दवाइयाँ, दवाइयाँ लेने के लिए वो क्या करता, वो सरकारी अस्पताल के वो चक्कर लगाता। He also called on his friends, वो अपने दोस्तों को भी बुलाता, and neighbors यानी पुकारता पड़ोसियों को भी, किस लिए, to donate अतिया करने के लिए, देने के लिए क्या, दवाइयाँ, मेडिसिन दवाइयाँ, दैट वर लाइंग इन देयर हाउस, जो उनके घर में पड़ी रहती थी, विदाउट एनी यूज़, जो यूज़ के बगैर, किसी भी यूज़ के बगैर यानी जो दवाइयाँ घर में पड़ी रहती थी, उन दवाई को मंगाता अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से। डॉक्टर राज वुड विजिट द स्लम्स एवरी डे इन द आफ्टरनून, तो डॉक्टर राज विजिट करते यानी मुलाकात करते स्लम से, अच्छी आबादी में आते थे झुग्गियों में, एवरी डे रोज़ाना इन द आफ्टरनून दोपहर के वक्त में। एंड स्टे देयर, वहाँ पर ठहरते, फॉर अबाउट टू आवर्स यानी लगभग वो दो घंटे वहाँ पर रहते, तकरीबन दो घंटे वहाँ पर रहते। व्हेन ही वाज नॉट एग्जामिनिंग पेशेंट, जब वो पेशेंट को नहीं जाँचते यानी उसका इलाज नहीं करते, नहीं देखते, ही वाज टॉकिंग टू द चिल्ड्रन, तो वो बात करते थे किससे, बच्चों से बात करते। He would tell story, them stories, और उनको क्या, उनको सुनाते कहानियाँ, and help them, उनकी मदद करते in their homework, उनके homework में। Now he increased his time to 3 hours, to 3-4 hours daily। अब इसने डॉक्टर नाज ने बढ़ा लिया अपने समय को, अपने वक्त को 3-4 घंटे और डेली, पहले 2 घंटे बैठता था, अब 4 घंटे या 3 घंटे बैठने लगा। He also managed a small blackboard. उसने मैनेज किया एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड, विच ही पुट बिहाइंड हिज चेयर, जो कि वो ब्लैक बोर्ड कहाँ था, उसके पीछे, कुर्सी के पीछे रखा रहता था। ही मैनेज सम नोटबुक, उसने इंतज़ाम किए कुछ कापियाँ यानी जिसमें लिखते हैं, एंड पेंसिल और पेंसिल। द चिल्ड्रन वुड सिट ऑन द ग्राउंड टू स्टडी, तो बच्चे बैठ जाते थे ज़मीन पर टू स्टडी पढ़ने के लिए। इन अ फ्यू डेज, चंद दिनों में, कुछ दिनों में, द पीपल पुट अ थैचड, थैचड रूफ, थैचड कहते हैं यानी एक छत बनाना जो जिसके अंदर भूसा पड़ा हुआ हो, जिसमें जैसे कि आप धान काटते हैं, गेहूं काटते हैं, उसका जो भूसा बनता है ना, भूसा, वो जो उसका झार होता है, उसको क्या करते हैं, रूफ, छत बना करके एक छज्जा ऊपर में, छजली डाल देते हैं ऊपर में, एक छजली तैयार किया ओवर हिज हेड, उसके सर पर, ताकि गर्मी ना लगे, बारिश ना आए। द चिल्ड्रन लविंगली कॉल्ड हिम, बच्चे प्यार से पुकारते थे उसको, डॉक्टर दादा, डॉक्टर दादा बच्चे उसको पुकारने लगे। अब आगे कल पढ़ें।